दोस्तों कैसे आप सभी लोग। मैं देवोत्तम अग्रवाल। आज हम आपको इस वीडियो में ओटीपी जो हमारी मिलन सर की डुअल टेकर में रहती है जो मिस्टर उनको देते हैं वो आज मैं आपको आईफोन में देने वाला हूँ। तो ये आईफोन 7 है, हम इसका सीपीयू निकालेंगे और एकदम सेफ मोड में काम करेंगे। और ये वाला जो कैसे काम किया, हीटिंग वीटिंग क्या है, रीडिंग क्या रही थी, कैसा क्या, ये सारी चीज़ मैंने अपने कोर्स में डाली है। और बिलीव मी, अगर आप कोर्स से ये चीज़ देखेंगे तो आप इसको फिर भी 50% बहुत अच्छा कर लेंगे। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैसे काम करना है और सारी चीज़ फिर आपकी प्रैक्टिस पर होती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर जो फ़ोन है वो ऑन है और यहाँ पर आप रीडिंग भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी फ़िलहाल मैं रीडिंग आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और खैर हमारे रीडिंग से क्या ही लेना है क्योंकि फ़ोन में डिस्प्ले तो आ ही रहा है हमारा। तो चलो हम यहाँ पर सबसे पहले अब हम इसका डायरेक्ट सीपीयू आपको निकालेंगे। तो फिलहाल मैं फ़ोन को खोल लेता हूँ तो और फ़ोन को खोलने का पार्ट मैं कट कर रहा हूँ तो सीधे सीपीयू पे आऊँ। टूल्स बता देता हूँ कि क्या क्या मैं टूल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहले हम एक 007 स्क्रैपर लेंगे और इसको हम अपनी जगह पर रख देते हैं। ठीक है, तो हम पहले 00 स्क्रैपर लेंगे और इसके साथ हम एक पेस्ट निकालने के लिए एक ब्लेड स्पेशल ब्लेड लेंगे। बाकी हम किसी से भी निकाल सकते हैं, एक हम अपना 11 नंबर का ब्लेड भी लेंगे। ठीक है, और सीपीयू निकालने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेट ब्लेड लेंगे, स्क्रैपर है ये। ठीक है, और ये हमारा रिबॉलिंग के लिए, पीपीडी के लिए फैलाने के लिए हम ये 4 नंबर वाला ब्लेड लेंगे। ये हम यहाँ पर अपना पेस्ट लेंगे और एक स्पेशल पेस्ट भी लेंगे, ये यहाँ रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और एक हमारा ब्रश लेंगे। तो देखो दो ब्रश होते हैं, एक ये वाला ब्रश होता है, इसके साथ एक ब्रश और होता है। तो ये अच्छा, एक स्क्रैपर और है, मैं दो स्क्रैपर यूज़ कर रहा हूँ। दो स्क्रैपर का यूज़ करने का क्या मतलब है, क्योंकि एक स्क्रैपर बिल्कुल नया है और एक स्क्रैपर थोड़ा सा घिसा हुआ है सैंड पेपर पे। ठीक है, और अब मेरे को मेरा ब्रश मिल जाए। तो यहाँ पर मेरा ब्रश नहीं है तो चलो मैं अपना ब्रश अभी दूर लेता हूँ। चलो शुरू करते हैं काम, लेके प्रभु का नाम। तो मैं यूज कर रहा हूँ फाइंडेक्स, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा स्ट्रेट ब्लेड, ये से अपन पेस्ट को क्लीन करेंगे। ये वाला ब्रश अपन यूज नहीं करेंगे, स्टील ब्रश है तो ये तो बहुत रिक्स वाला ब्रश है। ये अपना नॉर्मल ब्रश, ये 11 नंबर की ब्लेड, ये 4 नंबर की ब्लेड और 2007। और ये अपना ट्विजर और ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से पूछना चाहूँगा, आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है? नहीं, पहले काम कर लेते हैं। तो अब हम इसको यहाँ लगा लेते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी दिखाइएगा, वहाँ से भी दिखाइए, कोशिश कीजिए कि दोनों जगह से दिखाइएगा। सबसे पहले साइड ग्लू को कट करेंगे। तो फिलहाल मैं 11 नंबर का ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। हीट का सीन ये है कि आपको हीट अगर आपको समझनी है तो आप हमारा कोर्स लीजिए। फिलहाल आप देखिए कि स्किल कैसा यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ नीचे से भी दिखा सकते हैं आप।
तो हमें पहले 11 नंबर ब्लेड से ऊपर से पे एक बार कट लगाना है, पूरा नहीं करना है। 11 नंबर के ब्लेड से ज़्यादा करेंगे तो ये स्क्रैच भी आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारे ग्लू होता है उसको थोड़ा हार्ड ग्लू को हटा देता है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत पहना होता है 11 नंबर का ब्लेड, बहुत ध्यान से यूज़ कीजिएगा क्योंकि आपको लग सकती है इसकी वजह से। तो अगर हम ये तो ढीला हो गया तो ये आवाज़ करेगा थोड़ा पीछे का एरिया। अब हम इस ओर से कट करेंगे, इस ओर से हमारी एम्पलीफायर आईसी लगी होती है, ग्लास आईसी है, तो थोड़ा सा ध्यान से कट करना है क्योंकि अगर ब्रेक हुई तो ये हाई बूटिंग पे जा सकता है। पूरे सेट प्रोटोकॉल पे चलते हैं। ठीक है, तो अब मेरा इसका काम हो गया है। अब नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पर जो ब्लेड यूज़ करने वाला हूँ वो 007 यूज़ करने वाला हूँ, और ये थोड़ा शार्प है, ये वाला मेरा थोड़ा सा अभी साफ नहीं है, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो मैं अपनी पीसीबी को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी पीसीबी थोड़ी सी सीधी हो गई है। अब मैं अपना साइड ग्लू कट करता हूँ। ये जितने भी टूल हमने रामराज से लिए हैं भोपाल, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे ओरिजिनल टूल हैं। टूल का ओरिजिनल मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और इस रिपेयरिंग में हमें ओरिजिनल टूल मिल पाना बहुत दिक्कत की बात है, और ये एक सही डीलर ही दे सकता है जो आप भोपाल में अगर हमारे कहने पर जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्लू अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, ठीक है। हीट वहीं देनी है जहां आपको, देखिए हमारे घर वाले आ रहे हैं, घर में लैग होने का एक यही सबसे वाला वो रीज़न होता है, घर वाले इंटरप्टेड बहुत करते हैं, INT की लाइन बहुत ज़बरदस्ती देते रहते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि खाना पीना सब काम के बाद होता है हमारा, और अभी मैं आपको बता दूँ अभी बच रहे हैं रात के 12, और हमारी टीम अभी भी काम कर रही है। तो देखिए ग्लू बिल्कुल साफ़ होना चालू हो गया, तो ग्लू का साफ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ग्लू रह जाएगा तो आपके जो साइड के कॉइल्स हैं वो साथ में सीपीयू में आ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है ये ग्लास सीपीयू होता है, तो ये आपका बेसिकली क्या हो सकता है कि ग्लास सीपीयू की वजह से आपके जो पैड हैं वो निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस बार यहाँ मैं पूरा श्योर हो गया, मैं वो कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, मुझे सेव मोड पे करना है, और आप कितनी स्पीड में करते हैं ये निर्भर करता है कि आप कितने बार ये कर चुके हैं। अगर आप इसको कई बार कर चुके हैं तो आपकी स्पीड ऑब्वियस है कि बढ़ जाएगी, तो ये सब कुछ प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। ठीक है, अभी आईफोन 7 में एक अच्छी बात है कि कोई रजिस्टर ऐसे नहीं लगे होते जिसके निकल जाने पे आपका फ़ोन लोगों पे आ जाएगा या फिर चालू नहीं होगा, तो यहाँ सीपीयू के बगल में, मतलब कहने का मतलब है CSS में लगे होते हैं पूरी बहुत सारे लाइन पे उपलब्ध रजिस्टर I2C, बट आईफोन 7 पे नहीं है, आईफोन 8 के बाद आपको देखने को मिलेंगे जिसमें A11 CPU है, तो वहाँ में बहुत ध्यान से काम करना होता है। ये देखिए लाइन कट हो गई है, ये बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो अभी वीडियो में तो ये ट्रिक अभी मैं रिवील नहीं कर सकता क्या मैं किस तरीके से कर रहा हूँ,
अगर आप कोर्स ले लेंगे तो कोर्स में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी। बाकी मैं कोर्स को अपने आईसी के हिसाब से नहीं बेच रहा हूँ, कोर्स में मेरा सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए तो मेरा अब ग्लू पूरी तरीके से कट हो चुका है यहाँ से भी, और आपका ग्लू कट कैसे होगा आपको कैसे पता चलेगा, आपका स्क्रैपर बिल्कुल सीधा चलेगा और स्पीड में चलेगा, तो कहीं वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्लू है वो कट हो चुका है। अब हम इस पार्ट में हमारा सीपीयू को निकालेंगे, और सीपीयू को निकालने पर सबसे बड़ी मेन बात ये होती है कि सीपीयू निकालने के बहुत से ट्रिक हैं। देखिए आप नोज़ल निकाल के कर सकते हैं, आप अलग अलग हीट से कर सकते हैं, हीटिंग बढ़ा सकते हैं, आप एयर बढ़ा सकते हैं, बट हमें क्या करना है, हमारा पावर आईसी को मेल्ट नहीं होने देना है। जब हम सीपीयू निकालेंगे तो जो उसके बॉल्स होते हैं, अगर वो बॉल्स पूरे बने हुए रहे तो समझो कि हमारा हीटिंग चेंज सबसे बेस्ट है। अगर मान लो वो बॉल पूरे फ्लैट हो गए तो भी सेट है, पर अगर वो बॉल मिक्स हो गए, स्मैश हो गए और बॉल आप गड़बड़ हो गए, मतलब कोई बॉल उधर है कोई बॉल उधर है, तो समझो कि हीटिंग सिक्वेंस बिगड़ गया, मतलब मैटर बोर्ड का है, बोर्ड मतलब हमारा ख़राब भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको सीपीयू निकालूंगा, क्या हीट है क्या नहीं है ये तो मैं कोर्स में ही बताया है मैंने, तो मेरा क्योंकि वीडियो भी चालू है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यूज़ करूँगा स्ट्रेट ब्लेड, ठीक है। मैं इससे सीपीयू उठाऊँगा, बाकी मैं इसके अलावा देखिए ये मेरा स्क्रैपर है, तो मैं ये स्क्रैपर ये यूज़ कर रहा हूँ। आपने शायद भी ये स्क्रैपर बहुत जनों ने नहीं देखा होगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया में मैंने ही देखा है, भाई इंडिया में हज़ारों पड़े हैं ये देखने वाले, बट नॉलेजेबल। अब अपन उठाते हैं सीपीयू, कोई घड़ी नहीं लगाएंगे, कोई काउंटिंग नहीं गिनेंगे, बस उठा दें। देखिए अब मेरा सीपीयू उठाना मैटर करता है, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे बॉल, जैसे ये मेरे बॉल है, मेरे जो मुट्ठी है मेरी बॉल है, अगर ये मेरे बॉल पैड पे ऐसे बने हुए हैं तो मतलब समझो कि मेरा हीट सिक्वेंस एकदम ओके है, और मेरा बोर्ड अभी ओके है, और बोर्ड किसी प्रकार से मेल्ट नहीं हुआ है। इवन मेरे बॉल जब मेल्ट नहीं हो, जब बॉल ही मेल्ट ही नहीं हुआ है तो नीचे क्या ही मेल्ट होगा। आइए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए, पहले यहाँ दिखाइए और थोड़ा ठीक है, और जूम कीजिए, हाँ ये देखिए। अब मैं आपको टीवी में दिखाता हूँ, टीवी में दिखाइए ज़रा, पहले मैं आपको सीपीयू दिखाता हूँ। ये देखिए और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए। तो
तो मैंने इसी बात पे मैं आपको कह रहा था कि ये देखिए, ये बॉल दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल गोल गोल से, तो मतलब हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल ओके होगा। आइए बोर्ड को चेक कर लेते हैं जल्दी से कि ये ओके है कि नहीं ओके है। तो हम चेक कर लेते हैं, तो पहले हम एक बार जल्दी जल्दी मैं इसको आयरन चला देते हैं और ये बोर्ड का सूखेंस, फिर हम आराम से सीपीयू को क्लीन करेंगे और रिबोल करके लगाएंगे। चलिए अब मैंने बोर्ड को क्लीन कर लिया, मतलब फिलहाल तो फ्लैट कर लिया है। अब मैं एक बार थिनर देके इसको क्लीन करके एक बार बोर्ड का सूटकेस दिखाता हूँ। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये मेरा बोर्ड का सरफेस है फिलहाल, अभी मैंने नॉर्मल क्लीन किया है। ठीक है, अब अपन इसकी रीडिंग देखेंगे। तो आप यहाँ पर रीडिंग दिखाएंगे कितनी आ रही है। तो यहाँ पे पहले बोर्ड में दिखा दो कि मैं बोर्ड में ये लगा दूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रो मैक्स बटन वाला, आपको तो पता ही होगा ये वाला क्या करता है काम। तो इसकी रीडिंग स्टक होनी चाहिए लो बूटिंग में, पाँच से 25 के बीच में। तो अपन इसको पहले देखेंगे, ये देखो, तो ये मेरा बोर्ड ओके है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब पहला तो मेरा जो केस था वो यही था कि मुझे सीपीयू भी बचाना है और प्लस अपना बोर्ड भी बचाना, तो ये मैंने बचा लिया है। अब हम सीपीयू को क्लीन करेंगे और बस लगाएंगे।
चुका है, यहाँ पे दिखाइए थोड़ा जूम करके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ दिखाइए। देखिए तो हमें सरफेस को हमने क्लीन कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब हमारा सीपीयू हमें लगाना है जो हमने रिबॉल कर लिया है। तो ये हमारा सीपीयू है, दिखाइए ज़रा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम थिनर डाल के और क्लीन कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारा सीपीयू है, तो सीपीयू भी हमारा क्लीन हो चुका है और रिबॉल हो चुका है। अब हम सीपीयू लगाएंगे। हमने रिबॉलिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, और बोर्ड को कैसे क्लीन किया, सारी चीज़ें स्किप इसलिए किए क्योंकि आप इसको कोर्स में देख सकें, ठीक है। तो अब हम सीपीयू को रख देते हैं इधर यहाँ पर, दिखाइए। और अब हम पहले बोर्ड को हम इसमें पेस्ट नहीं लगाएंगे, हम यूज करेंगे ग्लू का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एयर को ऊपर कर लेता हूँ तो मेरा ये पेस्ट लगेगा नहीं, ये देखिए। तो हम रोजिन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने रोजिंग लगा ली है, अब हम इसके ऊपर सीपीयू रख देते हैं। ये हमारा सीपीयू है, और ये हमारा बैंड इस ट्विजर। तो यहाँ पर हम सीपीयू को सेट करेंगे। सीपीयू को सेट करने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो हमने सीपीयू को सेट कर लिया है, अब हम यहाँ पर अपनी हीट और एयर को सेट करेंगे।
तो देखिए अब हम टच मेथड यूज करेंगे। चले तो यहाँ हमने A10 CPU लगाया है अभी, और अब हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। और इस समय बज रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो ये रात के 1:15। अभी ये दिन के नहीं है, रात के। और अब हम अपना रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए रिजल्ट देखने का टाइम। तो आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब डिस्प्ले लगा लेते हैं। अब केबल लगाएंगे। चलिए तो देखिए हमारा फोन, आप नोटिस कीजिए, ऑन हो चुका है। तो ये हमने अभी A10 CPU अभी डन किया है, और ये हमारा वन टाइम प्रोसेस में है। अगर आप ऐसे ही काम करना चाहते हैं तो आप हमारा iPhone 6 2X का मास्टर कोर्स ले सकते हैं। और देखिए मैं कोर्स को पहली बोल रहा हूँ बेचने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन कोर्स लेके IC का बहुत अच्छा काम कर लेंगे। ये देखिए तो हमारा फ़ोन वापस सेम कंडीशन में आ गया, यहाँ पर जिस कंडीशन में ये था। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, इसका CPU दिखाइए ज़रा, ऊपर दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर दिखाइए नीचे, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब हम यहाँ पे इसका CPU दिखाएंगे, ये देखिए, दिखाइए, ये देखिए, ये वही CPU है और जिसको अभी हमने रिवॉल्व किया है यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। तो आप इसके बॉल्स देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप इसके बॉल देखिए थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। तो अगर आप आईफोन पे काम करना चाहते हैं तो हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं iPhone 6 2X। अब लेना कैसे है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे आइए, देखिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, और यहाँ पर आपको Acer Telecom सर्च करना है, और आपको Acer Telecom यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको ओपन कीजिएगा, फिर ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, और आप ये iPhone 6 2X, तो आप यहाँ पर पहले स्टोर में चले जाइएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास में कौन कौन से आपको कोर्स मिलेंगे,
तो एक मिल रहा है आपको मल्टीमीटर का, एक मिलेगा आईफोन एक्स मास्टर जो सिर्फ एक्स के लिए। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, ये 6,000 का है। इसमें एक डिस्काउंट भी चल रहा है, 36% ऑफ है। और एक आप आईफोन 6, ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा अगर नैंड प्रोग्रामिंग लेना है तो आप ये वाला कोर्स भी जा सकते हैं, नैंड प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ डली हुई है नैंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। और अगर आपको 6X लेना है तो ये आप ले सकते हैं। इसमें कंटेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, ये आईफोन एक्स है और ये 2 साल का वैलिड कोर्स है। तो आईफोन एक्स के अंदर पीसीबी बोर्ड इन्फॉर्मेशन, बैटरी कनेक्टर सोल्यूशन, एस बूट सिक्वेंस, मिडिल लेयर, यूएसबी सर्किट, डिस्प्ले सर्किट, टच सर्किट, सॉर्टिंग, चार्जिंग, फेस आईडी सर्किट, मतलब सर्किट सिखाया है यहाँ पर मैंने। एक्स वाईफाई सर्किट, टेली कैमरा, वाइड कैमरा, पैनिक रिपोर्ट कैसे करना है, एक्स सिम सर्किट, ठीक है। उसके साथ कुछ आपके यही सीपीयू निकालने लगाने वाले वीडियो, और ये कैसे जेल ब्रेक करना है, और इसके साथ में फिर हमने वाईफाई वायरलेस बहुत सारे सर्किट भी डाल के रखे हैं। तो ये भी आप इसमें जाएगा जो कि मैंने इसमें डाले हैं। अभी मैं इसमें भी ऐड करने वाला हूँ। जैसे इस एक्स सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए वायरलेस चार्जिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। बाकी और अगर आप बिगनर से सीखना चाहते हैं तो 6 में आपको बहुत, 6 टू 8 में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। 6 में तो मतलब आपको देखिए 174, 200 करीब वीडियो, लाइट, चार्जिंग, सॉर्टिंग, नैंड, डैड, मल्टीमीटर कैसे चलाने हैं, बहुत सारे कंपोनेंट टेस्टिंग, कंपोनेंट में भी कितने सारी टेस्टिंग है, रजिस्टर, कैपेसिटर, मॉस पैट, ठीक है। विद प्रैक्टिकल वीडियो और कैसे हैं ये लॉग, इसलिए हैं क्योंकि आपको ये परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। थर्मल, रैम, सीपीयू, स्क्रू होल, बेस बैंड, बैटरी, वाईफाई, डिस्प्ले, तो ये एनएफसी सर्किट था सर, ये कोई नहीं सिखाता है इंस्टीट्यूट के अंदर। 3G, 4G, ब्लूटूथ, सिम सर्किट, आईफोन 6 GR, ठीक है, टच आईडी, आईफोन 7, ये भी मैं इसमें डालने वाला हूँ, नैंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। 8 CPU कैसे, तो यहाँ पे 8 CPU मैंने बताया है पार्ट टू पार्ट में कैसे करना है, कितनी हीट क्या, ठीक है। और वाइब्रेटर, रियर कैमरा, टच, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ बाय नाउ में टिक करना है, और आपको बाय नाउ में टिक करने के बाद में आपको इस पर से पेमेंट करना है, और पेमेंट करके आप इसको कर सकते हैं। तो और उसके साथ अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो एंड्रॉयड पे आ सकते हैं। हमारा इस महीने 28 जुलाई का बैच है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी टोटल अभी सिर्फ 4 सीटें बची हैं, 25 सीटें हम लेते हैं और 21 हमारी बुक हो चुकी है। देखिए, हमारे में कोई हिडन, कुछ छुपा नहीं है। आप हमें रोज डेली देखिए फेसबुक में, आप फेसबुक में हमें देख सकते हैं। दिखाइए, मैं फेसबुक में आपको दिखाता हूँ। तो आप फेसबुक में हमें एशिया टेलीकॉम में सर्च करेंगे, ये देखिए, तो आप एशिया टेलीकॉम में हमें सर्च करेंगे तो आप देखिए 4.5 लाख, करीबन 4.25 लाख लोग हमें फॉलोअर्स हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमारा अभी आज ही की क्लास का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए, ये अभी 3 घंटे पहले की क्लास का, ये देखिए। ये देखो, हर चीज़ से पूछी गई है यहाँ पे, क्लास पढ़ाते हुए आपको मिल जाएंगे। आज दुर्गे सर ने क्लास ली है। तो फाइनली आज हमारी हार्डवेयर की सेक्शन लाइट की सेक्शन रही। सुबह कितने बजे से क्लास चली भाई? 11 बजे चली है। कितने बजे? 4:30 बजे कंटिन्यू क्लास चली, लाइट की क्लास। और तो चलिए ओवरऑल देखते हैं कि आज हमने इनको क्या क्या पढ़ाया हुआ है, छोटा सा हाईलाइट के तौर पर। तो सबसे पहले मैं बोल, किसको किसको लाइट सेक्शन समझ में आया, ठीक है। तो आपको ये देखिए, आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगा। इन सारे बच्चों से हमने सीपीयू लगवाया है गारंटी के साथ, हम आपसे भी सीपीयू लगवाएंगे गारंटी के साथ। ज्वाइन करें इसे टेलीकॉम, 7000731192। 2 बार 3 बार में कॉल लग जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको पढ़ाने का संकल्प लिया है तो पढ़ा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।